I'm sorry, RV. मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अब बर्फी के पराठे पसंद नहीं है, लेकिन मैंने ना राणा मामा से एडवाइस लेके दबा के मिर्ची डाल के तुम्हारे लिए मिर्ची के पराठे बनाए हैं और तुम्हारे लिए लेके आई। इसे खा के ना तुम बर्फी का पराठा भूल जाओगे। नहीं खुशी, इट्स ऑल राइट, थैंक यू। यानी तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया? आई एम सॉरी ना आरवी। खुशी प्लीज, ऐसा कुछ नहीं, इट्स जस्ट दैट। ठीक है, मैंने गलती की है ना, तो सजा भी मुझे ही मिलेगी। खुशी तुम क्या बोल रही हो यार, सर सर कैन यू प्लीज स्टॉप हर। खुशी खुशी दी, आप क्या कर रहे हो? गॉड, खुशी दी को तो मिर्ची से एलर्जी है। खुशी आर यू मैड? दी क्या कर रहे हो आप, प्लीज पानी पियो। दीप, आर यू ओके? आई एम फाइन। और दी, ये सब क्या था? हाँ, वैसे आपसे बड़ा ड्रामेटिक इंसान, मिस ड्रामा क्वीन मैंने आज तक नहीं देखी। बट प्लीज, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी वाइब ही ऐसी है। खुशी जी, मैडम जी, तुसी अनबिलीवेबल हो, तुसी महान हो, मैं हार मानता हूँ यार। पराठा पराठा टेस्ट करो। ये लो। और ये? हैप्पी नाउ? वेरी हैप्पी। ऐसे ही हंसते रहो आरवी। अलीन पुत्र, तुमने मेरी गलत सुनी? मेरे को कोई अच्छा सा सलोन तो सजेस्ट कर। मतलब भाई, आफ्टर ऑल दूल्हे की मॉमसी को एकदम बेस्ट भी तो लगना है। मॉमजी बड़े ऑप्शंस हैं। एक मिनट रुको, मैं तानू हुने दिखानी है। अरे वाह, तो किन्ने सारे ने। ओए मार। सच्ची मैंने एक गाली याद आई है। एक कुलवंत कौर बड़ी इंक्वायरियां कर रही है खुशी के हस्बैंड के बारे में। एक गल दस मैनू हरलीन, ये बात तेरे मेरे और रॉबी के अलावा किसी को पता तो नहीं है ना? नहीं मॉमजी, हमारे अलावा किसी को नहीं पता। और पता चलनी भी नहीं चाहिए, खास करके वो सरपंच जी को। अरे रॉबी जी, है ना? ओ मैं क्या कह रहा था, आज रात हो जाए फिर तो निक्के निक्के। एब्सोल्युटली, आज तो इसकी ज्यादा जरूरत है, मिल जाए राती। ठीक है जी। रॉबी तो रॉबर, वो आज तू गोबर नहीं सोना उगलेगा। वो हरलीन चाहे कितनी भी चलाक हो जाए, लेकिन खुशी के शादी का कच्चा चिट्ठा तू ही खोलेगा। दिमाग खराब हो गया तेरा, यही जगह मिली थी तेरे को मिलने को। ज्यादा बोलेगी तो घर के अंदर घुस के सबसे पैसे मांगूंगा। चल टाइम खोटी मत कर। भाभी कौन है ये? एक्चुअली हमारा ट्रांसपोर्ट अरेंज करवाते हैं, इन्हें पैसों की जरूरत थी। ऑल ओके? इनकी मम्मी पापा जी मर गए। मैम मेरा मतलब है, पापा जी के मरने के बाद माँ बीमार पड़ गई। थैंक यू मैडम, हम भी चलते हैं। एक तो पहले से शहर की वजह से हर एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, और अब ये करण, ये दोनों भाई बहन कुछ ज्यादा ही चालू है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। राज, कब से फोन बज रहा है? राज, हम भी आपके साथ वर्कआउट कर सकते हैं? या प्लीज जॉइन।
राज दीदा तुम्हें हमेशा फोन करती है, तुम फोन क्यों नहीं उठाते उनका? एक बार ही बात तो कर लो। बहुत मुश्किल से मेरा मूड ठीक हुआ, और दीदा से बात करके फिर से अपना मूड नहीं खराब करना, सो प्लीज। करण चल। और कुछ नहीं हुआ। और कभी मेरा मसल पुल है? नहीं नानी, ये ना ये स्टैंड एकदम फिसल गया। करण अब ना तू सिर्फ रेस्ट करेगा। सर तू पागल हो गई, कैसे रेस्ट कर सकता हूँ मैं? शादी का माहौल है, इतना सारा काम बचा, मैं करूँगा ना। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, भाई साहब है ना आपका पूरा ख्याल रखेंगे। अभी इसकी कोई बात नहीं है, इट्स ओके, मैं करूँगा। मैं कह रही हूँ ना, भाई साहब को फिजियोथेरेपी भी आती है। दैट्स अमेजिंग। बस करण, अजीत है ना अब तेरे पास तेरी हेल्प करने के लिए? और की शाबाश पुत्र, शाबाश। चल करण पूरा टाइम अजित के नजरों के सामने रहेगा और हमारा प्लान भी ठीक से पूरा होगा। ओ पुत्र चल मेरे नाल, ओ तेरे को भी वर्जिश करनी है, आजा। सो जाना चेरी पुत्र। ना राजीजू, थोड़ी सोऊंगी। देख ले राज और चढ़ा इनको सर पर। अभी तो गुल्लू अपने नानी के घर गया हुआ है, वरना उसने भी नहीं सोना था। मेरी स्टोरीज होती इतनी औसम है ना चेरी, है ना मामी, आप टेंशन मत लो। इस शैतान को कैसे सुलाना है मुझे अच्छे से आता है। ज्यादा तंग नहीं करना अपने राज जुजू को, ठीक है? ठीक है। बाय मामी, गुड नाइट। ले राज। तो आज मैं भाई क्यूटी चेरी को सुनाऊंगा एक बहुत क्यूट सी प्यारी सी बिल्कुल चेरी जैसी लड़की की कहानी। उसका नाम है लेटिंग रेड लाइट फुट। अरे वाह, आपको कैसे पता? म्यूजिक कल तो सुनाई थी लेकिन आधी। अच्छा जी, तो मैंने कहां तक सुनाई थी आपको कहानी? जब नॉक हो रहा था गेट पर। चलो अब आगे की कहानी सुनो। दरवाजे पे लिटिल रेड राइडिंग हुड ने करी नॉक नॉक, पर अंदर से शुल्फ था। शुल्फ ने लिटिल रेड राइडिंग हुड की दादी की आवाज निकाली और कहा, मैं अंदर हूँ, आ जाओ। फिर वुल्फ उसकी तरफ बढ़ा धीरे धीरे और वुल्फ ने कहा, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जट दा पुत्र, डर दे नहीं। समझ आई तेरे को मेरा क्यूटी। और क्या हो जीजू? वो तो मैं आपको कल ही बता पाऊंगा। जीजू आज बता। नहीं मैं आज नहीं बता सका, क्योंकि अगर आज बता दूंगा तो कल आप वुल्फ के जैसे लगोगे। ठीक है, मैं पूरी कल फंक्शन है ना, चल अब फटाफट सो जाओ। मुझे जल्दी कुछ करना होगा जिससे राजवीर मेरे और प्रिंस के साथ रहे हमेशा। दिया प्या, सब आपको नीचे बुला रहे हैं। कैसा फील करता होगा ना प्रिंस, रोज मेरी शक्ल देख के बोर हो जाता होगा, रोज पूछता है पापा कब आएंगे। पर कोई गल नहीं, चट्टी दा पुत्त है, संभाल लेगा। चल नीचे चले। सर। अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों? बताओ मुझे, जल्दी बताओ। इस तरह है जी, टेंशन ना सैर को और गिल को देखकर घबरा के भाग जाती है, सो नो टेंशन। पक्का। चलो सब वेट कर रहे हैं, आओ। ओ रॉबी जी, ओ जल्दी आगी, आ गई, आ गई, आ गई, बैठे हैं। रॉबी जी चको फिर करिए आप चेयर्स। और रॉबी जी थोड़ा होली मेरे को पता है रॉबी जी,
क्या महसूस कर रहे होंगे इन दोनों को देख के। मतलब मतबल ए कि आप भी एक पियो हो, आप भी चाहते हो कि आपकी कुड़ी शहर की तरह खुश हो अपने पति के साथ। ऐसे नहीं होता। गाइस सेल्फी लेते हैं। ओके दी कम राज। ओह गॉड राज कैसी फोटो आई है, बिल्कुल कार्टून लग रहे हो। तो वाई भी नहीं है यार, एक और लेते हैं। राज मुझे एक्चुअली मामा जी को टिक्के देके आने हैं, मैं एक सेकंड में। ओ मेरे को एक बात समझ नहीं आई रॉबी जी, कौन सा ऐसा लड़का है जिसने ऐसी जिंदा दिल खुशी को छोड़ दिया? ओ बात क्या हुई? नानी फूफड़ जी ठीक है। ओ मैं दे दूंगी, तू अंदर ले जा। हाँ जी मैं मामा जी को देता हूँ। हाँ जी मैं क्या राणा, मामा जी मिट्टू मामा जी आ गए टिक्के शिक्के। आओ गरमा गरम है, आ जाओ खा लो। राखी यार वो बार आज भर जवाई होता तेरे जैसा, लाखों में एक। ओ लखा चनी करोड़ा चाहिए क्या साडा, कितना ख्याल रखता है साडा। ओ साडा की साडी सहन नु कितना प्यार करता है। आप मेरे को बताओ, वो बात करने से मन हल्का होता है, तू सिर्फ एक दुख करो, वो मैं हूँ ना, वो जैसे शहर है वैसे ही खुशी मेरी बेटी, वो हम दोनों मिलके उस लड़के को ढूंढेंगे। कैसे सारी जिंदगी वो कल्ले कड़ी कड़ेगी। हाँ और अगर कोई लड़का नहीं मिला तो मैं ढूंढूंगी उसकी, बिल्कुल राज जैसा लड़का। मुझे देविका भाभी का सच सबके सामने लाना होगा। गजलों की है शाम, आपके हाथ में नहीं है जाम। चीयर्स। मॉमसी, I think you're enjoying evening. अरे कुड़िये, मैं तो बड़ा enjoy कर रही हूँ। And you know what? ये सारे गाने सुनके ना, मैंने तो मेरे पुराने boyfriend याद आ रहे हैं। I'm having a lot of fun in fact. आओ। क्या कर रहे हो तुम? कोई देख लेगा? शेर, कोई नहीं देख रहा। Please, मुझे सच्ची-सच्ची बताओ ना क्या problem है? राज मैंने कहा ना कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है, I swear। शहर मुझे पता है तुम। वैसे गब्बर तुम्हें नहीं लगता कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? चून छूदा मुरब्बा नाम रखना पड़ेगा मुझे तुम्हारा। But honestly राज तुम साथ हो ना तो सब ठीक है। तुसी फिकर ना करो रॉबी जी, और मैं हूं आपके साथ। हम दोनों ने उस रुझाने को खोज के इधर लाना है, कान पकड़ के। तुसी बिल्कुल फिकर ना करो, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सोनी खुशी को कल्ला छड़ने की? इतना भी नहीं सोचा रुझाने ने कि अब वो इस बच्चे का बाप। खुशी पुत्र, उस हरामखोर ने तुझे और प्रिंस को छोड़ दिया ना? डैड, मैं छोड़ूंगा नहीं उस हरामखोर को। आप गुस्सा क्यों कर रही हो मॉम? ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी के साथ भी बच्चा कर लिया। मैं उससे प्यार करती हूँ और मुझे यकीन है कि वो एक दिन मुझे जरूर मिले। ढूंढ टेक्निक की राजवीर ही आरवी है। आज मैं उसे जिंदा जमीन में काट दूंगा। अगर रॉबी ने राज का राज खोल दिया तो खुशी हमसे कभी बात नहीं करेगी।
उसे लगेगा हमने अपना वादा तोड़ दिया और दूर चली जाएगी वो हमसे। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। रॉबी, कंट्रोल। जब डाइजेस्ट नहीं होती तो क्यों पीते हो इतनी? मुंह बंद, कुछ नहीं बोलोगे तुम। लीन जी, ओ क्यों रॉबी जी पे पड़क रहे हो? हाँ, पियो है वो कुड़ी के लिए तो रोएगा ना। आंटी जी, तुसी ना पियो। की आंटी जी, आंटी जी ला के रखी है। झूठ बोला आपने, मैनू पता है खुशी का व्याह नहीं हुआ है। झूठ बोला आपने कि इसकी शादी हुई है। कोई हराम खोर ने इसका दिल तोड़ा है, बिन ब्याही मां बनाकर छड़ दिता है। मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, मैं उस रुझाने को ऐथे लाना खसम नु खाना। ओ कुछ पुत्र, ओ मैनू दसो, ओ मैं तेरी हेल्प करांगी। नानी, अभी मैं आप सबको कुछ नहीं बता सकती और जब सही वक्त आएगा तो आप सबको सब पता चल जाएगा। और वो लड़का भी आप सबके सामने खुद आ जाएगा। और तब तक के लिए आप लोगों को जो भी पूछना है पूछ लो। मेरे बॉयफ्रेंड कितने थे, मेरे ब्रेकअप्स कितने हुए, मैंने किसको छोड़ा, सब कुछ बता दूंगी मैं आप सबको, पूछिए। नानी प्लीज, खुशी दी, आपको किसी को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं। अगर खुशी दी नहीं बताना चाहती हैं तो हमें उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओ सहर पुत्र, ओ तू मेरी बात नहीं समझ रही। ओ मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं उस लड़के को ढूंढना चाहती हूँ ताकि इसका घर बस जाए और वो प्रिंस नु प्यो मिल जाए। हरलीन ने झूठ बोला, इतना भी नहीं सोचा आपने कि हम सब फैमिली हैं। OMR ना आई वड्डी फैमिली वाली, आप अपना टाइम भूल गए? आपने भी तो मेहर का ब्याह कराया था ना सरब से, वो भी उस टाइम पर जब उसके पेट में किसी और का बच्चा था। और उस बच्चे के बाप के कत्ल में आपके ऊपर। प्लीज सॉरी मॉम जी, पर हम मम्मा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। सहर पुत्र, जस्ट बिलीव मी, मैर के लिए मेरे दिल में इतना कुछ भी बुरा नहीं है, पर ये बात सच है कि व्याह से पहले शी वॉज प्रेग्नेंट। जिनके खुद के घर शीशे के होना वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। वापसी प्लीज, क्या लगता है आपको मैं इस बच्ची का मुखौल कर रही हूँ और मैं इसका तमाशा कर रही हूँ, मजाक उड़ा रही हूँ? ओ ये बच्ची है इस घर की, ओ मैं हड्डियां तोड़ देनी है उस हरामखोर की जिसने मेरी कुड़ी के साथ ऐसे किया। आईकल समझ? नानी, इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। सैर पुत्र, पुत्र तेरा दिल बहुत नेक है और ये जो तेरी नानी है ना, ये एक नंबर की फफे कुटनी है, एक नंबर की फफे कुटनी। ना कुत्ते की दुम भी एक बार सीधी हो जाए, पर ये कभी सीधी हो ही नहीं सकती। ओए आज तो मेहर की आत्मा को कितना अफसोस हो रहा होगा कि उसकी माँ ऐसी थी, ऐसी है जिसने उसकी सारी लाइफ बर्बाद कर दी। OMR खबरदार, एक लवज भी बुरा था, मैं तेनू इथे जिंदा काट देना। ओए तू हाथ तला के वेख मैनू। आंटी जी, अपनी उम्र का लिहाज करो। उम्र का लिहाज 15-20 साल तो दिखाए, हिम्मत कैसे हुई पैर के बारे में बकवास करने की? अब मैं इसको नहीं छोड़ना। ना गुंडी से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? आहो हटा परे। आज अगर मैं गुंडागर्दी नहीं दिखाई ना तो मेरा ना कुलवंत कौर टिल्लो नहीं। वो देख लिया सारों ने, आ गई ना अपनी असलियत पे। शर्याम मेरे को धमकियां दे रही है, आई एम चैलेंजिंग ऑल। अगर कल को मेरे को कुछ हुआ ना तो उसके जिम्मेदार वो ये गुंडी होगी, ये गुंडी।
मैनू नहीं छड़ना। नानी, 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 राज प्लीज थोड़ी देर नानी को अकेले रहने दो। पर नानी क्या? राज प्लीज करण रुक जाओ, उन्हें शांत होने दो। राज प्लीज, I can't believe this.